Yes, good morning, beta. We were doing revision of probability chapter. So let's see few extra questions. The probability of an event of a trial is always more than one. Yes, Karan, we read out. The probability of an event of a trial is always between 0 and 1. Between 0 and 1. Okay. Yesterday we had discussed this also. The probability of the event always lie between 0 and 1. It will not go less than 0 and it will not go beyond 1. So answer will be between 0 and 1. Can 0 be the probability? Can 0 be the probability? No. Yes, it can be the probability, beta. Probability of yes, probability of impossible event is 0. So yes, 0 can be the answer. 1 can be the answer. So answer 0 or 1 dono ho sakte hain. Aapne dekha ye first question mein likhe both inclusive. Inclusive ka matlab hai they are talking about considering 0 and 1 as the answer. That's why it is written both inclusive. ठीक है, इंक्लूसिव मतलब जीरो और वन इंक्लूड होंगे, इसलिए कह रहे हैं. यस, नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू यस वन वन द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट इज वन. रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Bachi, after giving the answer, why you mute yourself? Don't mute yourself again and again. Okay, A and B. Yes, who will read the question? Nobody is here in the class who can read. हाँ जी बोलो धैर्य धैर्य मैम. सेकंड थर्ड थर्ड क्वेश्चन. ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस. इफ ए थ्रोज 9 देन बी चांस ऑफ थ्रोइंग अ हायर नंबर इज. धैर्य क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? पेयर ऑफ डाइस मैम दो डाइस थ्रो हुए हैं पेयर. टोटल आउटकम्स कितनी होंगी मैम? 36. यस यस एग्जैक्टली द टोटल आउटकम्स आर 36. ठीक है, फर्स्ट आउटकम क्या होगी मैम? दोनों की डाइस पे 1-1 आया तो क्या इवेंट बनेगी मैम? अगर टोटल तो 6/36 मैम कटिंग करके 1/6 आ जाएगा. कुछ और बात कर रही हूँ, मैंने आपको कहा दोनों की डाइस पे 1 आया है. ए और बी ने ना पेयर ऑफ डाइस थ्रो की है, पहले ए की डाइस पे भी 1 आया, बी की डाइस पे भी 1 आया, तो इवेंट बनेगी 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 तक सारी, फिर 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6 ऐसी, तो 36 इवेंट बनेंगे. कहता है ए ने 9 थ्रो किया है ना, कॉपी पेन तो व्हाट डज इट मीन, ये क्या है? A and B throw a pair of dice. If A throws 9, there's B's chances of throwing a higher number. या तो ये सम की बात कर रहा है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा हुआ. दोनों ने पेयर ऑफ डाई थ्रो किया तो 9 तो आ ही नहीं सकता, बट 9 आ सकता है तब जब दोनों का सम 9 हो. ठीक है, तो आपको कहते हैं 9 से ज्यादा सम आना चाहिए. आपने देखा लास्ट वाले उस पे 6-6 आता है, तो 6 और 6 क्या होता है? 12. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है. यहाँ होना चाहिए था ए थ्रोज द सम ऑफ 9, व्हाट इज द बीज चांसेस ऑफ थ्रोइंग अ सम ग्रेटर देन 9 या हायर देन 9. तो 9 से बड़ा सम क्या आ सकता है? 10, 11, 12. अब 10 की इवेंट्स क्या बनेंगी?
टेन की इवेंट्स क्या बनेगी? टेन कैसे बनता है? टेन कैसे बनता है? फोर सिक्स, सिक्स फोर और फाइव फाइव से, ठीक है। इलेवन कैसे बनता है? फाइव सिक्स, सिक्स फाइव से। ट्वेल्व कैसे बनता है? सिक्स सिक्स से। तो टोटल कितनी इवेंट्स हो जाएंगी? टोटल इवेंट्स काउंट करो कितनी हुई है। टोटल सिक्स आ रही हैं। मैं बोलती हूँ दोबारा से, आप लिखो फिर देखो सिक्स आ रही हैं। फोर सिक्स, सिक्स फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स। टोटल सिक्स इवेंट्स आ रही हैं। सिक्स बाय थर्टी सिक्स, दैट इज वन बाय सिक्स। सो आंसर इज वन बाय सिक्स। इज इट क्लियर? यस करणवीर। यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करण रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज शफल्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड और एन एस इज। यस, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड और एन एस। मैंने कल आपको और का केस बताया था, और का केस बताया था। और का मीनिंग क्या होता है? और का मीनिंग क्या होता है? और मीन्स रेड की प्रोबेबिलिटी प्लस एस की प्रोबेबिलिटी माइनस कॉमन। हाँ जी, रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। एस कितने होते हैं? 2, 4 होते हैं। मैम पर 2 लेंगे हम। हाँ जी, एक मिनट, आप पूरा पूरा लिखोगे। पहले आप लिखोगे 26 बाय 52 प्लस एस कितनी होती है? 4, 4 बाय 52 माइनस जो कॉमन है, कॉमन कितनी है? एस 4 होते हैं, 2 रेड होती है, 2 ब्लैक होती है, तो कॉमन वाले माइनस कर दो 2। आंसर कितना आएगा? 28 अपॉन 52। 28 बाय 52। यस, आफ्टर कैंसिलेशन कितना आंसर? 7 बाय 13। ओके, आंसर इज 7 बाय 13। बच्चे प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। Note it down, hurry up. Note down this question, it's important. Or का केस है, और में आप दोनों को प्लस करके कॉमन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यू विल नॉट गेट दिस क्वेश्चन अगेन, सो प्लीज नोट इट डाउन। Yes, Prachi, read the next question. Wait. Yes. The probability of an impossible event is. Yes, what is the probability of impossible event? Zero. Zero, yes. What is the probability of Jatin? Jatin. What is the probability of sure event? Wait. Yes, Jatin. What is the probability of sure event? Yes? Ma'am, 0 to 1. 1. Sure means jiska answer okay, certain hai. Sure event, certain event. Uska answer 1 hota hai. Aur impossible ka 0 hota hai. Theek hai? Next is. Okay. Jatin, read the next question. If probability of event is 0.44, then probability of not event will be 0.56. Not event. हाँ जी, कैसे आएगा आंसर? मम one minus 0.44 probability of event is equal to probability of not event. आंसर इज 0.56. 0.56. Okay, start next question. Yes, everyone. Yes, Pushti. Yes, ma'am. Read the next question.
A die is thrown 300 times and odd number are obtained 153 times, then the probability of getting an even number is? Yes. Odd number ki cases diye hue hai. Even number kitni baar aayega? How many times you will get even? 147 times over 300. Okay, answer is 147 over 300. Yes, Dia. Yes, ma'am. Read the next question. Two dice are tossed. The probability of getting two fives is? If two dice are tossed, two fives chahiye aapko. Means you need five, yes. Five. What 1/36. Yes, exactly. It's 1/36. Aapko 5, 5 chahiye, and it is in the entire 36 event, it is occurring only one time. So answer will be 1/36. Yes, Lisa. Arush, Arshita, Aryan, Bhavansh. Arush. Ma'am, read the next 1/3. What? Ma'am, 1/3. Please read the question once. Can you read? Divya. A dice is thrown, the probability of getting 1 and 5 is? And ka kya matlab hai Divya? Either 1 and 5. Ma'am, pehle first ki 1 ki probability or fir 5 ki probability? No, beta, no. Wo aur ke case mein hota hai. Ki pehle 1 ki leni hai, fir 5 ki leni hai. Fir common wala minus karna hai. And ke case mein, kya karna hota hai? Dono mein common lena hota hai. कॉमन मतलब जो हम सबट्रैक करते हैं ना और के केस में वही एंड वाले का आंसर होता है. ठीक है, मतलब दोनों का एक तरीके से देखा जाए तो आपने वो लेना है, इकट्ठे ले लेना है दोनों को. मतलब 1 भी चाहिए 5 भी चाहिए, मतलब उनका एलसीएम. ठीक है, तो वही आ जाएगा जो उसने बोला 2/1 भी चाहिए 5 भी चाहिए, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी उसने प्लस ही कर दिया एक तरह से. वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है. ठीक है, इस तरह से नहीं, ऐसे आता है मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3. तो 3 और 2 के मल्टीपल मतलब 3 और 2 का एलसीएम 6 के मल्टीपल लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 5 के मल्टीपल ले रहा है तो 5 का सिंगल बार लाई कर रहा है, तो ये क्वेश्चन की जरा फॉर्मेशन थोड़ी प्रॉपर नहीं लग रही. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 11. Divya, chalo read karo. Three unbiased coins are tossed together. The probability of getting at least two heads is? Yes. In case of three coins, can you tell me the total outcomes? 8. Can you speak up the sample space? Kya kya aayega? Head. Head, tail. Tail, head. Tail, head. Aur aage? Tail, head. Tail, head. Head, tail. Aur last one is tail. Tail. The probability of getting at least two head का क्या meaning है यहाँ पे? Ma'am, tail, head. At least का क्या मतलब है? At least कम से कम दो head होने चाहिए. कम से कम दो and greatest is 3. तो आपको दो head चाहिए और 3 head चाहिए. Probability of 2 head plus probability of 3 head. 2 head किस किस में आ रहा है? कितनी events है 2 head वाली? 3 इवेंट्स हैं
और थ्री हेड वाली वन इवेंट है तो कि टोटल कितनी होगी 4/8 दैट इज 1/2 सो आंसर विल बी 1/2 यस हु एल्स विल रीड दिस क्वेश्चन नंबर 13 सौम्या नायसा आशना Yes, anyone else who is interested to give answer? Magan, Navya, Ridhima, Priyanshika. Priyanshika, what happened? Why you are not responding? Titiksha. Is there any problem? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Read करो बेटा question. Mute मत करना. पता नहीं क्यों unmute नहीं हो रहा. ठीक है तो mute मत करो please. करो read. जी या पहले आप करो फिर next दिवे आप कर देना. बोलो बच्चे. Three unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most two heads? हाँ. Can you explain this concept of two at most? Ma'am, maximum two heads. Haan. Then what cases you will consider in this? Head, tail. Yeah, I'm asking head. What type of cases you will consider in this? At most two head hai na yahan pe. Probability of getting zero heads, one yes. head and two heads. Yes, yes, exactly. I want this response. At most ka matlab hai, zyada se zyada two. It can be 0, it can be 1, it can be 2. Okay? ठीक है? Then what will be the answer? What will be the probability? Ma'am, 4/8. No, 4/8 नहीं है. बच्चे देखो ना, ज़्यादा से ज़्यादा दो head चाहिए. तो मतलब 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए. तो क्या नहीं चाहिए 7/8 हां जी यस रियांशिका कहां गई रियांशिका यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो नहीं बच्चे इसका आंसर बताओ 13 का 7/8 मैम इसमें सिर्फ हेड नहीं काउंट होगा बाकी सारे होंगे हां जी थ्री हेड का केस है ना वो बस काउंट नहीं होगा थ्री हेड का केस नहीं काउंट होगा सो दैट विल बी 7/8 प्रियांशिका रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इज हां जी लेट द ब्लू बॉल्स बी एक्स रेड बॉल्स 5 है ब्लू बॉल्स को x ले लो टोटल बॉल कितनी होगी 5+x हरी अब डू इट्स सॉल्व इट एट योर ओन इट्स वेरी इजी एक्सक्यूज मी मैम यस मैम मैं दूसरे डिवाइस से एंटर कर रही हूँ प्लीज मुझे एडमिट कर लो मेरे ये फोन की बैटरी डेड होने वाली है मैंने तो करा हुआ बेटा प्रतीक्षा है ना ये मैंने मैम किया हुआ है आपका ज्वाइन ही नहीं हो रहा उस पे ज्वाइनिंग लिखा हुआ आ रहा है ओके मैम मैंने तो उसी टाइम एडमिट कर दिया था हो नहीं रहा नेटवर्क की आई थिंक प्रॉब्लम है मैंने ज्वाइन कर लिया आपको वही वो लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइनिंग बच्चे रेड बॉल 5 है ब्लू बॉल एक्स है तो टोटल बॉल हो जाएंगी 5+x तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी We have total balls as 5+x, blue balls are x. So probability of blue ball ho jayegi x upon x plus 5. Is ka matlab hai equal to double means twice of the red ball. Red ball ki probability kya hai? 5 upon x plus 5.
x plus 5 कैंसिल कर दो, देखो x कितना आएगा. हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर इन दिस बैग हरिया? हाउ मेनी ब्लू बॉल्स यू आर गेटिंग एज आंसर? नव्या व्हाट्स द आंसर? मैं भी कर रहा हूं. ओके ओके सॉल्व इट हरिया. Yes, Divya. Ma'am, 10 आ रहा है. Yes, answer is 10. Okay. Start this question. Start from the first number. Yes, hurry up, get an answer of first two questions, then I will ask. प्रतीक्षा आप कैमरा ऑफ कर लो, आपकी नेटवर्क इश्यू आ रही है, कैमरा ऑफ कर लो. यस करण. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, आंसर इज 1/6. सेकंड का आंसर है 1/2. 1/2. देयर आर सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन देम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2? Actually, from 1 to 6, 2 is occurring only one time. So, answer is 1/6. Next is, a coin is flipped to decide which team starts a game. What is the probability that you will start? Your team will start. So, half of our chances, half a winning ke, half a losing ke. So, half chances are there. That is 1/2. Start next, third and fourth question. थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन. नव्या थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी. नव्या मैम 1/2. 1/2 इसका थर्ड का मैम. यस यस प्राइम नंबर. यस प्राइम नंबर बोलो कौन से आएंगे. 2, 3, 5. तो 3/6 दैट इज 1/2. Next, Jatin. Mom, fourth, 1/5. Question read karo. What is the probability of? Nahi, pehle ye upar statement. What is the probability of getting? Pehle statement read karo. Cards are marked 1 to 25 are placed in the box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. Answer the following question. Okay. What is the probability of getting 1/25? Yes. तो ये जो question दिया हुआ ना ऊपर statement, आपके आपने इसके base पे 4 to 13 question का answer देना है. ठीक है. Next बोलो. पुष्टि, लीजा, दीप्त, कीर्ति, सौम्या. सौम्या हैंड रेज करो जल्दी. आशना, जसलीन, मगन, रिद्धिमा, यस हु विल आंसर? ओके यस आर्यन.
Ma'am, what is the probability of getting a number less than 11? Getting a number? Me kahan hai? Ma'am, fifth question. ठीक है, probability of getting a number less than 11. कौन से नंबर आएंगे? 2/5. ये कौन से नंबर आएंगे? 1 to 10. 1 to 10. कितने नंबर हो गए? 10. 10 upon? 10/25. कटिंग करके 2/5. ओके जी, नेक्स्ट आंसर दो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 25? जीरो. जीरो. व्हाट टाइप ऑफ इवेंट दिस इज कॉल्ड? व्हिच टाइप ऑफ इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट. यस, इट्स इम्पॉसिबल. यस जतिन, answer the next. What question. Is the probability? Haan. What is the probability of getting multiples of 5? Ma'am, 1/5. 5, 10, 15, 20, 25. 5 ho gaye. 5 upon? 25. Answer is? 1/5. Okay. Brijesh, where is Brijesh? आंसर नहीं देना ब्रिजेश, क्या हुआ है? जसलीन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको, ये जो आंसर नहीं दे रहे. अनम्यूट करने के बाद भी रिस्पांस नहीं आ रहा. धैर्य बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. धैर्य. यस मैम. रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. हां जी मैम, 12/25. अच्छा, कैसे डिसाइड किया आपने ये? मैम जो इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल्स, मतलब जो 25 तक जाते हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास 4, 6. हाँ नहीं, मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ. जैसे 1 से लेके 25 है, आपने देखा 1 से स्टार्ट होके 25 तक जा रहा है. 1 भी ऑड है, 25 भी ऑड है. ऑड से स्टार्ट होके ऑड तक जा रहा है, तो 25 में से ऑड जो होगा ना, हाफ हाफ होते हैं वैसे तो, हाफ इवन हाफ ऑड, लेकिन ऑड से स्टार्ट होके ऑड पे जा रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, ऑड जो है वो इवन से 1 एक्स्ट्रा होगा. ठीक है, तो ओके मैम, तो यहाँ पे 25 में से, वैसे तो 12 हाफ बनता है ना, 12 इवन होंगे और 13 ऑड होंगे. और अगर ऐसे होता है, इवन से स्टार्ट होके 2 से स्टार्ट होके 26 तक होता, तो यहाँ पर क्या होता, इवन एक एक्स्ट्रा होता ऑड से. और अगर इवन से स्टार्ट होके ऑड पे जाए तो हाफ इवन हाफ ऑड होते. ठीक है, अगर ऑड से स्टार्ट होके ऑड पे फिनिश हो रहा है तो ऑड एक एक्स्ट्रा होगा, इवन से स्टार्ट होके इवन पे फिनिश हो रहा है तो इवन एक एक्स्ट्रा होगा, और अगर ऑड से या इवन से स्टार्ट होके ऑपोजिट पे फिनिश हो रहा है तो दोनों हाफ हाफ होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं. ठीक है, ओके. आंसर इज 12/25 फॉर इवन नंबर. देन हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर? Yes, Pushti. Ma'am, 13/25. Yes, exactly. Don't mute yourself. Divya, Pushti, next question read karo. What is the probability of getting a prime number? Yes, kindly tell the prime number from 1 to 25. Bolo sare prime number. 1, 2, 3. Oh, 1 prime number नहीं होता बच्चे. Two, three. हाँ, yes. 5. हाँ जी. 7. Yes. 11. Yes. 30. Yes, yes. 17. 19. Yes. हाँ जी. 23. यस, टोटल कितने हो गए?
दिव्या कितनी होगी टोटल? मैम 9. 9. तो आंसर इज 9/25. ओके दिव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the probability of getting a number divisible by 3? Yes. Ma'am, 8/25. Number bolo na bachche pehle. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24. 21 and 24. Okay. 8 numbers are there, so 8/25. What is the probability of getting a number divisible by 4? Bolo bachche. 6/25. बच्चे मल्टीपल्स बताओ ना पहले 4 के. 4, 8, 12, 16, 20, and 24. 6 by 25. Yes, next. Bolo Jia. What is the probability? What is the probability of getting a number divisible by 7? Yes. 7, 14, 21. Yes. 3/25. Yes, it's 3/25. Yes, Jatin. Yes, ma'am. Next question. A bag has 4 red balls and 2 yellow balls. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. What is the probability of getting red balls? 4 by 6. Yes. 4 by 6.